आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। फैजाबाद पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने असम में घुसपैठ विपक्ष के गठबंधन और मंडल कारागार में गैंगस्टर द्वारा जन्मदिन मनाए जाने पर बेबाकी से बयान दिया। असम में घुसपैठ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को दिमागी संतुलन खोने वाला बयान बताया। इसी के साथ विपक्ष के गठबंधन पर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि चाहे जितने दलों का गठबंधन बन जाए, लेकिन भाजपा अपने कार्यकर्ताओं, गरीब किसानों, नौजवानों और व्यापारियों और महिलाओं के सम्मान में जन जन तक पहुँचती है और इस आधार पर भाजपा लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। यही कहने के लिए आया हूँ कि ये चाहे जितने दलों का गठबंधन हो जाए, चाहे वो सपा बाकपा माकपा और जितने दल हैं वो आ जाएं, लेकिन बीजेपी अपने आम कार्यकर्ता के बल पर और आम गरीब और किसान के बल पर, व्यापारी और नौजवान के बल पर और महिलाओं के सम्मान के नाम पर आज वो जन जन तक व्याप्त हुई है और उसी के आधार पर वो चुनाव लड़ रही है। जो इस प्रकार की कोताही बरत रहा है वो दंड का अपराधी बन रहा है, दंड उसको जेल भी भेजा जाए। पहली सरकार है योगी जी की कि जो जेल भी अधिकारी भेज दिए गए, पहले कोई साहस नहीं करता था। पहली सरकार ये है कि जो जिलाधिकारी तक का सस्पेंड किए गए, प्रोजेक्ट ऑफिसर तक का जेल भेजे गए। तो सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है और इस प्रकार की घटना करने वाले क्या है, इतना बिगाड़ के रख दिया गया था उत्तर प्रदेश को 15 सालों में कि अब अपराधी एक एक करके कर रहे हैं, जो अपनी गतिविधियां कर रहे हैं उनको 2-4-10 दिन के अंदर उनका जवाब मिल जाता है। ग्रेटर नोएडा दादरी कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। ये संदेश तेजी से क्षेत्र के लोगों के मोबाइल तक पहुंच रहा था, जिस पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने दादरी कोतवाली जाकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। दादरी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। भारी बारिश के चलते जहां जनजीवन असामान्य है, तो वहीं गाजियाबाद के लोनी इलाके का सरकारी स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में जल भराव हो गया है। हाल यह है कि पूरा सामुदायिक केंद्र तालाब में तब्दील हो गया है, तो वहीं मरीजों को अंदर जाने के लिए रिक्शा करना पड़ रहा है। साथ ही डॉक्टर्स भी परेशान है। यही नहीं, अस्पताल में आने जाने वाले लोगों के लिए बीमारी का खतरा पैदा हो गया है। अब मामले की शिकायत नगर पालिका और प्रशासन से की गई है। लेकिन सर आप सामने है, यहाँ पे पानी भर गया है और सारा हमारे वार्ड में भी और कमरे में भी पानी भर गया है। पानी की इसकी समस्या की वजह से एक तो मरीजों को आने में बहुत दिक्कत हो रही है और कर्मचारियों को भी आने में दिक्कत हो रही है, और फिर भी हमने 2 बजे तक ओबीडी की है, काम किया है, और ये समस्या तो हर बार आती है और जब भी बारिश हुई तभी भी समस्या आती है। इससे हम लगातार जूझ रहे हैं और इस समस्या के समाधान के लिए बड़े बड़े हमने ऊपर भी सूचित किया हुआ है अधिकारियों को। मुजफ्फरनगर में 5 दिन तक रुक रुक कर हुई जबरदस्त बरसात के बाद सोमवार को सूर्यदेव आसमान में चमके और बरसात भी बंद हो गई। बरसात रुक जरूर गई है, लेकिन मकानों के गिरने का सिलसिला अभी भी जारी है। अब नई मंडी कोदाली क्षेत्र के बागोवाली गांव में 2 मंजिला मकान अचानक भरभरा कर गिर गया, तो गनीमत रही कि हादसे के समय मकान में कोई नहीं था। वहीं लाखों का नुकसान हो गया, जबकि प्रशासन से मुआवजे की मांग की जा रही है। बहराइच में दरगाह शरीफ में ज्यारत करने जा रहे जायरीनों से भरी मैक्स गाड़ी और डीसीएम की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई, जिससे दर्जन भर जायरीन बुरी तरह से घायल हो गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 4 जायरीन की हालत बेहद नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। हादसे के बाद डीसीएम चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने एम्बुलेंस और दूसरे वाहनों से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। भारी बारिश से ताजनगरी का जनमानस परेशान है। सबसे ज्यादा परेशान सावन में कांवड़िए हो रहे हैं। हर वर्ष की तरह यहां सैकड़ों कांवड़िए अपने इष्ट के मंदिरों में कांवड़ चढ़ाने मध्य प्रदेश को जाते हैं। इसके लिए चंबल को स्टीमर से पार करने के बाद चंद घंटों में एमपी पहुंचने वाले कांवड़िए अब 2500 किलोमीटर पैदल चलकर धौलपुर से होते हुए जा रहे हैं, जिस कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही है। मथुरा के कोसीगला रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर रात से पड़े एक वृद्ध आदमी के शव को सुबह कौवे नोच नोच कर खा रहे थे। वहां से गुजर रहे यात्रियों ने देखा तो इसकी सूचना आरपीएफ पुलिस को दी। पुलिस हरकत में आई और शव को वहां से हटाया गया, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है और न ही ये पता चल पाया है कि वृद्ध किस ट्रेन से गिरे हैं, जिस पर अब पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है।
बुलंदशहर के अहमद थाना क्षेत्र स्थित खलिया कल्याणपुरी गांव में मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक युवक की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि इस घटना में दो महिलाओं समेत आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, साथ ही मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।